आज की दुनिया भी एक रावण राज्य के समान ही है कि रावण अर्थात ऊंची जाति का इंसान आज की दुनिया भी क्या है, रावण राज्य है ना, कि जहां मनुष्य ऊंची जाति का है, मनुष्य के लिए ही जैसे रावण के रूप में दर्शाया गया है कि रावण जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं था, विद्वान कोई नहीं था, रावण जैसा भक्त कोई नहीं था, रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं था और रावण जैसा धनवान कोई नहीं था। तो आज की दुनिया के अंदर भी प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि ये रावण राज्य नहीं तो क्या है। आज की दुनिया में भी मनुष्य ऊंची जाति का है, मनुष्य जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं, विज्ञान के युग में मनुष्य के पास कोई बुद्धि की कमी नहीं है, मनुष्य जैसा भक्त कोई नहीं है, मनुष्य जैसा धनवान कोई नहीं है और मनुष्य के पास आज मिसाइल्स की शक्ति है तो शक्तिशाली कोई नहीं। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी दो बातों की कमी जो उसके जीवन में दिखाई जाती है, अनैतिकता, चरित्र भ्रष्टता और अहंकार के वश। इस तरह आज का मनुष्य भी अहंकारी बन गया है और साथ साथ चरित्र भ्रष्टता, अनैतिकता उसके जीवन में आ गई है। इसलिए आज का राज्य भी एक रावण राज्य के बराबर ही है। कहा जाता है कि सीता जी जब जंगल में चल रही थी तो श्री राम को मालूम था कि ऐसे अनेक असुर है वन के अंदर जो उसके पवित्रता को खंडित कर सकते हैं, और इसलिए श्री राम ने सीता जी का संपूर्ण पवित्रता का जो स्वरूप था वो अग्नि को सौंप दिया था, उसकी सुरक्षा में रख दिया था, उस कवच में रख दिया था, और श्री राम के साथ जो चल रहा था वो सीता जी का साधारण स्वरूप था, एक इल्यूजनरी फॉर्म था उसका जो उसके साथ साथ चलता था। और साधारण होने कारण ही जब वो मारीच उसको मृग के रूप में सामने आता है तो उसको पहचान नहीं पाती है और पहचान न पाने के कारण उसके प्रभाव में आ जाती है। श्री राम को निवेदन करती है कि वो मृग मुझे लाकर के दो, और सोने के मृग के समान उसके पीछे आकर्षित हो जाती है कि ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ये साधन चाहिए, ये साधन चाहिए, ये बातें चाहिए, ये चाहिए चाहिए कि चाहना उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। और वहां वो श्री राम को भी निवेदन करने लगते हैं, हे प्रभु मेरे लिए इतना कर दो। आज की दुनिया में भी जब मनुष्य को कुछ चाहिए तो क्या करते, अपनी प्रार्थना में भगवान के सामने वो अर्जी रखते हैं कि हे प्रभु अगर इतनी चीज मुझे प्राप्त हो जाए तो आपका बड़ा उपकार होगा, कहते हैं ना प्रार्थनाओं में। तो इस तरह सीता जी ने जैसे श्री राम को निवेदन किया, ऐसे आत्मा रूपी सीता भी परमात्मा राम को निवेदन करती है कि मुझे ये भौतिक साधन की आवश्यकता है, इतनी चीज मुझे प्राप्त हो जाए तो बस, और कुछ नहीं चाहिए। श्री राम इस बात को अच्छी तरह समझ गए कि इसके पीछे माया का रूप क्या है, लेकिन फिर भी वो सीता जी को नाराज नहीं करते और वो मृग के पीछे दौड़ते हैं। परमात्मा भी हमारी हर इच्छा को पूरी जरूर करता है, लेकिन फिर जब उसके वश होने लगते हैं तो कई बार हम परमात्मा की श्रीमत को भी भूल जाते हैं। जैसे श्री राम दौड़े उस मृग के पीछे और उसका शिकार किया, जैसे ही तीर चलाया मारीच अपने असली स्वरूप में आ गया,
लेकिन असली स्वरूप में आने के बाद भी उन्होंने पुकारा, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण। और सीता जी ने जब ये आवाज सुनी तो वो पहचान नहीं सकी कि ये लक्ष्मण कहने वाला आवाज किसका है, परमात्मा का है या कोई धोखे का आवाज है। इस तरह हम भी जब अपने इच्छाओं के वश हो जाते हैं, साधारण स्वरूप में हो जा आ जाते हैं, तब हम अपने मन मत को, परमत को या परमात्मा की श्रीमत को भी पहचान नहीं सकते हैं। और कभी कभी परमत या मन मत को ही यही समझने लगते हैं ये ईश्वर की श्रीमत ही है। और इस तरह सीता जी ने भी यही समझा कि ये राम का ही आवाज है, इसलिए लक्ष्मण जी को कहा अब जाओ। वो नहीं जा रहा था कि नहीं मुझे आज्ञा नहीं है, नहीं जा रहा था, लेकिन ऐसे उसने शब्द कुछ कहे जो लक्ष्मण को भी जाना पड़ा। लेकिन जाने के पहले भी उसने एक रेखा खींच ली कि हे माते, आप इसमें सुरक्षित रहेंगी, इस रेखा से बाहर कदम नहीं निकालना, और चले गए। ठीक हम भी जब परमात्मा के प्रेरणाओं को समझ नहीं पाते हैं और अपनी मन मत को ही परमात्मा की प्रेरणा समझने लगते हैं तो अपने मन के लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं। और जब मन के लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं तो लक्ष्मण को जैसे कहा तुम जाओ, परमात्मा ने भी हमारे आसपास एक मर्यादा की लकीर खींच के रखी है, लेकिन और हमें भी यही कहा है कि इस लकीर के अंदर रहना, सुरक्षित रहोगे। लेकिन आज की दुनिया में इंसान क्या करते हैं, मर्यादा की रेखा को भी लांग देते हैं, और जैसे ही उस मर्यादा की रेखा से बाहर निकल आते हैं तो कोई भी रावण उठा के ले जाएगा। आज की दुनिया के अंदर भी टेलीविजन पर या कहीं भी हम देखते हैं, कहीं मैगजीन में ऐसे अमर्यादित वस्त्र पहने हुए जो चित्र आते हैं जिससे किसी का भी मन विचलित हो जाता है, और उस कारण कोई भी आत्मा रूपी सीता रावण के वश हो जाना स्वाभाविक है। और इस तरह से वो भी उनको उठाकर ले जाते हैं, अर्थात भौतिक इच्छाओं के वो अधीन हो जाते हैं और उसका शिकार हो जाते हैं। और इस तरह रावण जब उसको उठाकर ले जाते हैं, फिर वो कितना भी राम को पुकारे लेकिन कौन उसकी सहायता करने आ सकता है, जिसने मर्यादा की लकीर खुद लांग दी और फिर भगवान को पुकारे, अरे भगवान ने सुरक्षा के लिए ही तो वो लकीर खींची थी। फिर भगवान को कितना भी बुलाते रहे, प्रभु बचाओ बचाओ, बचाने की किसी की भी शक्ति नहीं है, क्योंकि कोई भी परमात्मा स्वयं भी हमारे कर्मों में इंटरफियर नहीं कर सकता है। और इस तरह से रावण जब उनको उठाकर ले जाते हैं, जटायु जैसी आत्माएं फिर भी उसको मदद करने के लिए आगे आती है, अर्थात जिस आत्मा के अंदर दूसरे के दुख दर्द को समझने की एक शक्ति है वो उनको फिर भी मदद करने का प्रयास करती है, लेकिन रावण उसको भी जख्मी कर देता है और उसको मार डालता है। जैसे ही श्री राम और लक्ष्मण उसको ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं, जटायु का संपूर्ण स्वरूप उनके आगे खड़ा हो जाता है और उसको सारा वृत्तांत कह करके सुनाते हैं कि किस प्रकार रावण उसको उठाकर ले गया है। उनको सारी बातों से अवगत करा करके वो अपने प्राण तन से छोड़ देता है। श्री राम और लक्ष्मण जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे उन्हें एक बहुत साधारण आत्मा देखने को मिलती है और वो है शबरी। ऐसी भक्त जिसके अंदर इतनी भावना थी, वो गरीब भिलनी
लेकिन इतनी भावना जो मेरे राम एक दिन आएंगे और उसके लिए एक एक बेर चख चख करके रखा था उसने उसको खिलाने के लिए। इस प्रकार कई संसार के अंदर भी ऐसे गरीब आत्माएं हैं जिनकी भगवान के प्रति इतनी निष्ठा है, इतनी भावनाएं हैं, और वो भावना के आधार पर अपना सब कुछ ईश्वर के प्रति लगाने के लिए तैयार है। और परमात्मा राम भी ऐसे भक्तों के कृतज्ञ है, और इसलिए जब उनकी भावनाओं का फल देने का समय आता है तब परमात्मा राम भी साधारण रूप में ही आते हैं, लेकिन वो साधारण रूप में भी वो गरीब आत्माएं उनको पहचान लेती है। तभी तो भगवान को कहा जाता है वो गरीब निवास है, वो गरीब निवास है, अर्थात गरीबों का बेली है। और इस प्रकार उनकी भावना का फल देते हैं, और वही आत्मा उन्हें आगे मार्ग दिखाने के लिए भी निमित्त बनते हैं। आत्मा राम को मार्ग दिखाने के निमित्त भी कई बार ये साधारण आत्माएं ही होती है जो उसका उद्धार करने के लिए निमित्त बन जाती है। और उन्हें बताते हैं कि ऋषिमुख पर्वत के तरफ जाओ, वहां आपको और एक भक्त मिलेगा आपका, हनुमान, जो भी आपका इंतजार कर रहा है। जैसे श्री राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं, वहां हनुमान जी साधारण स्वरूप में उन्हें मिल जाते हैं। हनुमान अर्थात जिसने अनुमान और अहंकार का, अभिमान का हनन किया हुआ था, अनुमान और अभिमान दोनों का हनन किया हुआ था, उसका नाम है हनुमान। जिसके अंदर साहस है, जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके अंदर समर्पणमयता है, जिसकी बुद्धि समर्पित है परमात्मा के प्रति और साहसी है, वो है हनुमान। भले उसका स्वरूप बंदर जैसा दिखाया है, अर्थात उनके अंदर भले कुछ न कुछ चंचलता अवश्य होती है, लेकिन फिर भी जो समर्पणता का प्रतीक है वो है हनुमान, जिसके अंदर अभिमान नहीं है, जिसके दिल के अंदर परमात्मा की याद समाई हुई है, वो है सच्चे हनुमान, जो हर प्रकार का साहस उठाने के लिए तैयार है परमात्मा के लिए, वो है हनुमान। और वो उन्हें ले जाता है उनके मित्र के पास सुग्रीव को मिलाने के लिए। और जब सुग्रीव से मिलाते हैं तब सुग्रीव परमात्मा की शरण में आ जाता है, उनके चरणों में गिर जाता है। अर्थात जो आत्मा कैसी भी क्यों ना हो, कहते हैं ना, मैं जो हूं जैसी हूं वैसी परमात्मा की हूं, तो वैसे ही सुग्रीव ने भी कहा, मैं जो भी हूं जैसा भी हूं हे प्रभु, मैं आपके कदमों में हूं, आपके चरणों में हूं, आपकी शरण में हूं। तो जो भी आत्मा चाहे कितनी भी बुराई वाली क्यों ना हो, लेकिन जो आत्मा एक बार प्रभु की शरण में आ जाए, परमात्मा की शरण में आ जाए, परमात्मा भी उनको मदद करने के लिए बंधा हुआ है। और जब वो बंधन में आ जाता है तो इस प्रकार भगवान भी उसको वायदा देता है कि मैं तेरा खोया हुआ राज्य तुम्हें वापस दिलाऊंगा, और तुम वापस उस राज्य के राज्य अधिकारी बन जाओगे। और उसके लिए भगवान कुछ भी कर सकता है, उसके पास अथाह शक्ति एक क्षमता है। बाली जो उसका भाई था, जिसने उसका राज्य छीन लिया था, उसकी पत्नी को छीन लिया था, शक्तिशाली था। सुग्रीव इतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन क्योंकि परमात्मा की शरण में वो गया इसलिए वो मदद उसको मिल गई। और इस तरह से शक्तिशाली बाली को भी वो हरा देता है। जो बाली अहंकार का प्रतीक है, जो
शक्तिशाली होते हुए जिसने बलपूर्वक किसी का राज्य छीना हुआ था, जो बलपूर्वक दूसरे के अधिकार को छीन लेते हैं, ऐसे आत्माओं को परमात्मा भी नष्ट कर देते हैं। और शरण में आए हुए सुग्रीव को सहारा देने लग जाते हैं और उसका खोया हुआ राज्य उसको वापस दिला देते हैं। जैसे ही उसका राज्य अभिषेक करते हैं, प्रकृति के पांचों तत्व भी उनको आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। अर्थात जो आत्मा अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त कर लेते हैं और परमात्मा द्वारा उस राज्य को प्राप्त कर लेते हैं, प्रकृति के पांचों तत्व भी उसके अधीन हो जाते, उसकी सेवा में हाजिर हो जाते हैं, उसकी सेवा में सहयोगी बन जाते हैं। तो परमात्मा भी हमें यही कहते हैं कि आप अपने स्वराज्य की स्थिति में आ जाओ तो प्रकृति भी आपकी सेवा में हाजिर है। और इस तरह से परमात्मा हमारा राज्य अभिषेक करता है। लेकिन राज्य अभिषेक करने के बाद क्या हुआ? सुग्रीव अपने वचन को भूल गया कि मैंने भी भगवान को मदद देने का वचन दिया था। तो भगवान भी उस समय उग्र रूप धारण करता है और उसको एहसास दिलाता है कि तुम अपने वचन को भूल गए हो। तो जो आत्मा स्वराज्य को प्राप्त कर लेती है और परमात्मा के दिव्य कार्य में सहयोगी बन जाते हैं, आत्माओं रूपी सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाने के लिए उसका एहसास दिलाता है परमात्मा भी कि आपने भी कुछ वचन दिया है, उस वचन को पूरा करो भी। और इस प्रकार सीता जी की खोज के लिए किसको भेजा जाए, किसके अंदर वो समर्थी है, तो हनुमान जी के अंदर वो समर्थी थी, लेकिन वो अपनी शक्ति को भूल चुका था, विस्मृत हो गया था। तब उन्हें स्मृति दिलाई गई कि हे हनुमान, तुम कौन है, तेरे पास अथाह शक्ति है, अथाह क्षमता है। तो परमात्मा भी आकर हमें श्रेष्ठ स्वमान देता है और हम आत्माओं में जो आत्माएं हनुमान जैसी होती है, जिसने अनुमान और अभिमान का हनन किया है, उसके अंदर अथाह साहस, शक्ति, क्षमता है। लेकिन हम आत्माएं भी अपनी शक्ति क्षमता को विस्मृत कर लेते हैं, तब परमात्मा उन्हें पुनः स्मृति दिला करके जागृत करते हैं और वो सामर्थी भर देते हैं वापस कि सीता जी की खोज के लिए असंभव कार्य को भी संभव कर सके। विशाल समुद्र को पार करना था, असंभव कार्य था, परंतु हनुमान अर्थात जो एकाग्र बुद्धि था, जिसकी बुद्धि में एक परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं था, तो जिसके अंदर एकाग्रता है, जिसके अंदर आत्मविश्वास है, श्रद्धा है परमात्मा के ऊपर, वो कोई भी बड़े से बड़ा असंभव कार्य करने की समर्थ रखता है। और इस प्रकार वो कार्य में अपना आगे कुछ करता है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है तो सबसे पहला विघ्न उसके सामने आगे आ जाता है, मेनक पर्वत के रूप में। जो मेनक पर्वत उसे कहता है, थोड़ी देर के लिए तुम विश्राम कर लो और फिर आगे जाओ। तब हनुमान जी कहते हैं कि पुरुषार्थी के जीवन में विश्राम सबसे बड़ा विघ्न है, पुरुषार्थी के मार्ग पर आराम हराम है। और इस तरह से वो मेनक पर्वत को भी गिरा देता है और विश्राम नहीं करता, क्योंकि उसके बुद्धि में एक लक्ष्य था कि मुझे उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। परमात्मा के कार्य के लिए मैं वचनबद्ध हूँ, जब तक उस वचन को पूरा न करूँ तब तक मेरे लिए आराम हराम है।
तो पुरुषार्थी के जीवन में आराम जैसी चीज नहीं होती है, वो सबसे बड़ा विघ्न है। और जैसे ही आगे बढ़ता है उसको गिरा करके, तो दूसरी दो परीक्षा उसके सामने आ जाती है, सुरसा और सिहिका के रूप में, जिन्हें वरदान था कि कोई भी आगे बढ़ता हो तो उसके मुख में से उनको जाना ही पड़ेगा, और उसमें से जो जिंदा बाहर निकल जाए वही आगे बढ़ सकता है। सुरसा और सिहिका अर्थात ईर्ष्या और स्पर्धा आज की दुनिया के अंदर भी, जैसे ही हम जीवन में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते हैं वैसे हमारे स्पर्धा में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट वाले भी खड़े हो जाते हैं, और कॉम्पिटिशन की भावना को लेकर के, स्पर्धा की भावना को लेकर के ईर्ष्या में आकर हमें गिराना चाहते हैं। और उन्हें वरदान है कि उससे कोई बच नहीं सकता है। स्पर्धा और ईर्ष्या की भावना जहां है, पुरुषार्थी को उसका मुकाबला करना ही पड़ता है, उसके सिवाय वो आगे बढ़ नहीं सकता है। और उसमें से जो जिंदा बाहर आ जाता है वही आगे बढ़ जाता है। हनुमान जैसे साहसी एकाग्र बुद्धि सरसा और सिहिका को भी गिरा करके अपने पुरुषार्थ के मार्ग में आगे बढ़ता है, और इस तरह वो लंका पहुंच जाता है, जहां दिखाया है कि अशोक वाटिका के अंदर सीता जी बैठे हैं। अशोक वाटिका जिसका नाम था, जहां कोई भी प्रकार का शोक नहीं था, जहां चारों ओर भौतिकता के सामग्री थी, लेकिन ऐसी अशोक वाटिका के अंदर सीता जी बैठी थी शोक में। अर्थात आज की भौतिक दुनिया को भी देखा जाए, सुख सुविधा के साधन इतने अथाह है कि इस सुख सुविधा के साधनों के बीच में इंसान रहता है, लेकिन इंसान की मनस्थिति कैसी है, टेंशन वाली, शोक में है। और ऐसे शोक में जहां चारों ओर राक्षसिनियां खड़ी है पहरेदार के रूप में, बुराइयां हर वक्त हमारे ऊपर अटैक करने के लिए खड़े हैं, वहां हनुमान जी जब उनको ढूंढते हैं, उनकी ये महानता को देखते हैं कि रावण उस वक्त आता है और सीता जी एक घास के तिनके से रावण को चैलेंज करते हैं कि रावण, इस तिनके से आगे तूने कदम भी बढ़ा करके मुझे छुया तो जल जाएगा, ऐसी मेरी शक्ति है। पवित्रता के कवच में जो समाई हुई थी वो सीता जी को रावण जैसा रावण भी, शक्तिशाली भी स्पर्श नहीं कर सका, और घास का तिनका ही उसके लिए काफी होता है। अर्थात इस शोक वाटिका के अंदर भी जो आत्मा पवित्रता को अपना लेती है वो सदा सुरक्षित रहती है, कि रावण जैसे रावण भी उसको छूने की हिम्मत नहीं करते हैं, जल जाने का उनको एक भय रहता है। जो अथा शक्तिशाली होते हुए भी सीता जी के शक्ति के आगे हार जाते हैं, यह है सीता जी की शक्ति। और ये देख करके हनुमान जी के अंदर भी इतनी श्रद्धा और भावना उमड़ आती है कि वो नीचे उतर करके फिर अपना परिचय देते हैं, और जहां पवित्रता के पास वो पारदर्शिता है जिससे वो हनुमान जी को पहचान लेती है कि ये समर्पण बुद्धि वाला और कोई नहीं हो सकता है, सच्ची भक्ति वाला और कोई नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे राम का भेजा हुआ दूत ही हो सकता है। कहने का भावार्थ के परमात्मा राम के दूत बन करके हम जब आत्माओं रूपी सीताओं को परमात्मा का परिचय देते हैं, तो जो आत्माएं सच्ची सीता के समान है वो उसको पहचान लेती है, सत्य और झूठ क्या है। और इस प्रकार वो अपना संदेशा भी राम तक पहुंचाते हैं, लेकिन
जाने से पूर्व हनुमान जी को लगता है कि ये शोक वाटिका को थोड़ा तहस नहस तो कर लूं ना? और इस प्रकार वो भौतिकता के साधनों को भी नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। और ऐसे समय में कहा जाता मेघनाथ उन्हें पकड़ लेता है। मेघनाथ के पास ऐसी शक्ति थी जो उसको वश कर लिया, पकड़ लिया और उसको बंदी बना करके ले गए रावण के दरबार में। कहने का भावार्थ के जो साहस वाली आत्माएं होती है, भले कोई उसको बंदी भी बना दे और रावण जैसे असुर के सामने भी खड़ा कर दे उसको, लेकिन वो उससे भी घबराने वाले नहीं है। रावण वहां उन्हें आदेश देते हैं कि हनुमान जी को या बंदर को हमेशा अपनी पूंछ से लगाओ होता है, इसलिए उसकी पूंछ को आग लगा दो। और इस तरह से लंका के रावण के दरबार में जब हनुमान जी की पूंछ को आग लगाया जाता है तो वो क्या करता है, वो उस लंका को ही आग लगा देता है कि ऐसी आत्मा का कोई नुकसान भी करना चाहे तो भी उसका नुकसान नहीं कर पाता है और ही वो अपना नुकसान कर देता है। इसलिए परमात्मा के जो सच्चे भक्त होते हैं उनका नुकसान कोई आत्मा कर नहीं सकती है। नुकसान करने वाले का नुकसान हो जाता है, उसकी सोने की लंका को आग लग जाती है और ये उसके अहंकार को सबसे पहली चोट होती है, बहुत बड़ी चोट उसको लगती है। ऐसे जब स्थिति आ जाती है तब मंदोदरी रावण को सावधान करने का प्रयत्न करती है कि अभी भी सीता जी को आप भेज दो बाइज्जत श्री राम के पास। लेकिन जहां रावण को अपना अहंकार था, वो अपने रास्ते से हटने वाला नहीं था और इसीलिए शाही युद्ध की वो तैयारी कर रहा था। कहा जाता विभीषण भी उसको परामर्श देता है कि श्री राम से बैर मोलने जैसा नहीं है। लेकिन जब रावण अपने अहंकार में होते, जो आत्माएं अहंकार के वशीभूत है वो किसी के भी परामर्श को स्वीकार नहीं कर पाते और हरेक के अच्छी भावनाओं को भी वो ठुकराने लगते हैं, और जब वो भावनाओं को ठुकराने लगते हैं तो वो अपना ही सर्वनाश करते हैं। विभीषण को भी लात मार दिया, लेकिन वो लात भी उनके लिए कल्याणकारी सिद्ध हुई कि वो श्री राम के चरणों में चले गए। और जैसे ही श्री राम के चरणों में समर्पित हो गए, राम ने उसको भी वचन दे दिया, श्री राम ने उसको भी वचन दे दिया कि तुम्हें भी मैं राज्य दिला दूंगा। और इस प्रकार से पूरी शक्ति उन्हें प्रदान कर दी, अनुशासन उसके जीवन के अंदर था तो वो शक्ति विवेक त्याग सब भावनाएं उसके अंदर स्वतः थी और इस तरह से वो शक्तिशाली सशक्त बन गया। कहा जाता फिर भी श्री राम अपना एक दूत भेजते हैं रावण को समझाने के लिए, अंगद को, जिसका सबसे पहला अपमान किया रावण ने कि उसको बैठने की जगह नहीं दी, तब अपने पूंछ का ही आसन बना करके अंगद ने अपने आसन को रावण के आसन से ऊंचा बना करके उसके ऊपर बैठ गया। दुनिया की आत्माएं भले उस आत्मा का इंसल्ट करना चाहे, लेकिन जो परमात्मा के दूत है उनका कोई इंसल्ट कर नहीं सकता, अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वमान की स्थिति में बहुत ऊंचे बैठे जहां तक वो पहुंच भी नहीं पाते हैं। और जो स्वमान की स्थिति पर बैठे हैं, ऊंची सीट पर बैठे हैं, उसको किसी के मान की आवश्यकता भी नहीं है। और इस तरह से वो रावण को भी ललकार देते हैं कि हे रावण, तू खाली मेरा एक पैर हिला करके देख,
अगर तू मेरे पैर को हिला दिया तो मैं श्री राम को कह दूंगा तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करे। लेकिन जैसे ही रावण उसके पैरों को स्पर्श करने आते हैं तो उसको भी लात मार दिया, कह रहे मूर्ख तू मेरे पैर के पर क्यों गिरता है, जाना है तो श्री राम के चरणों में ही चला जा, समर्पित हो जा। लेकिन अहंकारी व्यक्ति ये भी समझ नहीं पाता है, क्योंकि अहंकार में वो अंधा भी हो गया है तो उसकी बुद्धि को भी ताला लग जाता है। इसलिए परमात्मा की शरण में जाने की समझ सूझ उसको प्राप्त नहीं होती है। उस वक्त श्री राम सागर से रास्ता मांगते हैं कि लंका जाने का रास्ता मुझे दे दो। तब कहा जाता सागर देवता प्रकट हो जाते हैं और उसको कहते हैं रास्ता तो मैं दे दूंगा परंतु मेरी एक सलाह है कि जाने से पूर्व रावण अगर इतना अहंकार दिखा रहा है तो वो ऐसे ही नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उसके पास शिव की शक्ति है, इसलिए वो शक्तिशाली है। परमात्मा शक्ति उसके पास है, जो दैवी शक्ति भी उसको कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए सबसे पहले शिव की आराधना करके पूजा करके उनसे शक्ति प्राप्त करो और वो शक्ति प्राप्त करके फिर रावण के साथ युद्ध करो, तब विजयी हो जाएंगे। तब कहा जाता श्री रामेश्वर में श्री राम ने भी शिव की पूजा की। अगर श्री राम भगवान थे तो उन्हें शिव की पूजा करने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि वो जानते थे कि रावण जो इतना घमंड कर रहा है वो ऐसे ही घमंड नहीं कर रहा है, उसके पास भी शिव की शक्ति है और इसलिए उसका मुकाबला करने के लिए मेरे पास भी वो परमात्मा शक्ति होना आवश्यक है, तभी मैं रावण के ऊपर विजयी बन सकता हूं। और इस तरह श्री राम ने भी शिव की पूजा आराधना करके शिव से वो शक्ति को प्राप्त किया और फिर रावण के ऊपर विजयी हो गए। तो इस तरह से ये तीनों राम की कहानी जो है, आत्मा राम जो दशरथ के बेटे के रूप में दर्शाया गया है और परमात्मा राम की कहानी है, और इस तरह से ये महाकाव्य आज के युग में भी हमें यही प्रेरणा देता है कि परिस्थिति तो जीवन में आएंगी लेकिन नकारात्मकता का सहारा नहीं लेना है और सकारात्मक विधि से हमें जीवन में आगे बढ़ना है। और सकारात्मक शक्ति इतनी पावरफुल है जो कैसी भी परिस्थिति में विजयी बना करके ही रहेगी। तो ये है रामायण के महाकाव्य का गुह्य रहस्य आध्यात्मिकता के आधार पर। ओम शांति।